प्रिय दर्शकों नमस्कार मैं हूं तेजपाल और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं ये सामने जो पेड़ है ये सेमल का पेड़ है और इसके लिए सालमनी भी बोला जाता है संस्कृत में सालमनी मोचा रक्त पुष्पा यानी कि इसमें लाल रंग के फूल आते हैं और हिंदी में इसे सेमर या सेमल कहा जाता है साथियों इसको गुजराती में सीमलो कन्नड़ में पुला या अपूर्णी बंगाली में पागून कहा जाता है साथियों इसके पेड़ में शुरुआत में कम से कम चार पाँच से ज़्यादा भी कल्ले हो सकते हैं और बाद में ये कांटेदार बन जाते हैं इसके पत्ते चिकने होते हैं और बुच्छों में होते हैं इसका पेड़ 35 से 40 मीटर ऊंचा होता है और ये अत्यंत विशाल और बड़ा होता है इसके पेड़ काफ़ी मोटे हो जाते हैं और इसका जो पूरा तना है वो बिल्कुल सीधा जाता है और इसकी शाखाएं जो होती हैं इसकी शाखाओं पर बहुत कांटे लगे हुए होते हैं जो कि शंकवाकार के आकृति के होते हैं इसके लाल रंग के फूल आते हैं और जो बहुत ही गुणकारी और पौष्टिक होते हैं ये फूलों की सब्जी भी बनाई जाती है जो कि अत्यंत पौष्टिक होती है साथियों ये ऐसा पौधा है जो बहुत ही लाभकारी होता है हमें इसके गुणों के बारे में पता हो तो हम बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकते हैं ये बलकारक होता है ये बीरेवर्धक भी है ये पौष्टिक है ये कफ पित्त शामक और पुष्टिकारक भी है ये कफ पित्त शामक होता है शुक्रवर्धक होता है और पित्त बात शामक भी है सेवल के दस ग्राम फूलों को एक गिलास दूध के साथ उबालने पर पीने से बवासीर में बहुत लाभ मिलता है लोगों को उनके पैरों में जलन होती है उसको इस सेमल के पेड़ की छाल को पीस कर लगाने से बहुत लाभ मिलता है छाल उतारने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पेड़ दोबारा से अपनी छाल को पूरा कर पाए बीर्य संबंधी समस्या में इसके छाल को पाँच ग्राम लेकर और पाँच ग्राम शंखपुष्पी को लेकर पीस कर दूध के साथ सेवन करने से दोष नष्ट होता है इसका गोंद बहुत ही बलकारक और गुणकारी है ये मूत्रल भी है और बाजीकर भी है साथियों प्रकृति ने हमें बहुत ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियों और औषधियों को दिया है जिनके सेवन से हम आरोग्य का जीवन जी सकते हैं लेकिन हमारे आसपास जड़ी बूटियां तो होती हैं लेकिन इनकी जानकारी हमें सही से मिल नहीं पाती है तो इसी क्रम में कुछ जो जानकारी मुझे मिली है मैं आप सब लोगों को शेयर करता रहूँगा और ऐसी ही आने वाली वीडियो को बताता रहूँगा मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है यदि अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल तेजपाल जड़ी बूटी ज्ञान को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ इसमें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे साथियों आप इन जड़ी बूटियों का लाभ ऐसे ही उठाते रहें यही हमारी कामना रहती है जड़ी बूटियों की कोई भी नुकसान नहीं होते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं आपने इस वीडियो को देखा और इसके लिए आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिए अनुमति नमस्कार